कुंभ राशि वालों, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के 6 अद्भुत फायदे हैं, इसे अब भी जान लो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम हरे कृष्ण के महामंत्र के कुछ अद्भुत फायदे बताने वाले हैं। दोस्तों, यह अद्भुत फायदे अगर आप जानेंगे नहीं तो आपको इसका फायदा नहीं होगा। साथ ही इससे जो कि आध्यात्मिक लेवल जो कि बढ़ती है, आत्मचिंतन का लेवल बढ़ता है, साथ ही ध्यान करते वक्त आपको इससे भी फायदा ज्यादा मिलता है। दोस्तों, श्री भगवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण और कृष्ण का नाम एक ही है, इसलिए जब आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो वास्तव में इसका मतलब है कि श्री कृष्ण नाम आपकी जीभ पर है, वो आपके साथ है। तो हरे कृष्ण क्या है, इसे महामंत्र, महान मंत्र के रूप में माना जाता है। उनका उल्लेख काली संतरान उपनिषद में किया गया है। ये एक मंत्र है और हरे उस सच्चिदानंद भगवान को भाव से पुकारते हैं भक्तगण। यही पर 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, जब चैतन्य महाप्रभु ने अध्यात्म पक्ष की शिक्षा की शुरुआत की। हरे कृष्णा मंत्र एक 16 शब्द वाला वैष्णव मंत्र है, जो कुछ इस प्रकार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह सर्वोच्च सच्चिदानंद की 3 दिव्य शब्दों शब्द रूप भगवान से बना है, वो शब्द है हरे कृष्ण और राम। दोस्तों, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने के फायदे क्या हैं, वे जानते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको हर रोज कुंभ राशि के बारे में राशिफल के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी, साथ ही अध्यात्म की कुछ ज्ञान की बातें भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ वास्तु उपाय या वास्तु टिप्स भी चाहिए तो इस वीडियो को, यानी कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो है उनको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आखिर में हम वास्तु उपाय या फिर वास्तु टिप्स भी हम आपको बताते रहते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ कुंभ राशि वाले ही चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुंभ राशि के अलावा हम किसी भी राशि के बारे में नहीं बताते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। तो चलिए, हरे कृष्ण के महामंत्र के जाप के फायदे क्या है जानते हैं। पहला है मन बुद्धि का नियंत्रण। मंत्र का जाप करने से व्यक्ति अपने मन को पकड़ सकता है। हम सभी अनेक इच्छाओं बेकार विचारों के गुलाम हैं, जो हमारे मन को अशांत करके रखते हैं। लेकिन जैसे कि भगवत गीता कहती है, मन को जीतना चाहिए। जिसने अपने मन को जीत लिया उनका दिमाग सबसे अच्छा दोस्त है। जो लोग नहीं करते हैं उनका दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हरे कृष्ण का जाप करने से मन की शांति पाने में मदद मिलती है, इसलिए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। दूसरा जो फायदा है वह है खुशियां। असली खुशी उसे बांटने में है। हर कोई खुशी के लिए खोज में है और हरे कृष्ण का जाप हमें भगवान और हमारी आत्मा के साथ संपर्क को साझा करने की अनुभूति देती है। इस प्रकार हमारे सहयोग में प्रवेश करके हमें हमारे अंदर की ओर ले जाता है। यह भौतिक सुख नहीं है बल्कि परलौकिक सुख है, तो इससे भी आपको खुशी मिलती है, तो इसलिए इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। तीसरा जो फायदा है, खुद को समझने में सहायता मिलती है। हम भौतिक ब्रह्मांड के इतने आदि हो गए हैं कि हम अपने सच्चे स्व आध्यात्मिक आत्मा को भूल गए हैं, और जब हम इतने भौतिक हो गए हैं तो हमने मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारियों का डर विकसित किया है। हम सुंदरता, बुद्धि, शक्ति और अनगिनत अन्य भावनाओं के नुकसान से डरते हैं। जब हम हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो हम
महसूस करते हैं कि हम शुद्ध परिवर्तनशील आध्यात्मिक आत्मा हैं, जो भौतिक शरीर से अलग हैं। मंत्र एक शुद्ध आध्यात्मिक ध्वनि कंपन है और यह हमें हमारे स्व को समझने के लिए चेतना विकसित करने में मदद कर सकता है। दोस्तों अगला है कर्मा। कर्म का मूल नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम के बराबर है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है कि प्रदर्शन की गई प्रत्येक भौतिक क्रिया के लिए प्रकृति कर्ता पर बराबर प्रतिक्रिया देती है। बाइबल कहती है, जैसा तू बोता है वैसा ही तुझे काटे। भौतिक गतिविधियां बीज बोने के समान हैं। आपको उसी बीज का पौधा मिलेगा जिसे आप बोते हैं। हमारा भौतिक शरीर एक कर्म से दूसरे भाग्य में बदल जाता है। हरे कृष्ण का जप हमें हमारे सकारात्मक कर्मों का निर्माण करने में मदद करता है, क्योंकि कृष्ण जप का अर्थ है कि हम नाम को परलौकिक ऊर्जा के साथ जप रहे हैं। पांचवा है परम गीत। जैसे कि एक व्यक्ति एक कर्म से दूसरे भाग्य में जाता है, वह भौतिक दुनिया में पुनर्जन्म के लिए मजबूर होता है। इस प्रकार एक जीवन से दूसरे जीवन में चला जाता है। आत्मा एक शाश्वत प्राणी है और हम एक भौतिक शरीर से दूसरे पदार्थ में जाते हैं। जब तक हमें भौतिक इच्छा है, हम ऐसा करते रहेंगे। इसे आत्मा का रूपांतरण या पुनर्जन्म के रूप में माना जाता है। जीवन के इस चक्र से मुक्त होने के लिए हमें मोक्ष की आवश्यकता होती है और जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्ति को संसार के रूप में भी जाना जाता है। यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हमारी चेतना भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो, कि हम हरे कृष्ण का जाप करते रहें। हम आत्मा की प्राकृतिक आध्यात्मिक इच्छाओं के लिए खुद को खोलते हैं। यह हमारे भीतर की मूल ईश्वर चेतना को जागृत करता है और हमें उसके साथ जोड़ता है। इसके द्वारा हम परम गीत को प्राप्त कर सकते हैं। आखिरी यानी कि छठा है सबसे महत्वपूर्ण लाभ, भगवान का प्यार। हमें कृष्ण मंत्र का जाप करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ भगवान की प्राप्ति और भगवान का शुद्ध प्रेम है। जब हमारी चेतना भगवान के साथ एक हो जाती है, तो हमारे आध्यात्मिक दिव्यता को हमारे पात्रों और व्यवहार में दर्शाया गया है। इसी तरह कृष्ण का नाम हमारे हृदय में स्वयं भगवान के लिए प्रेम को जगाता है, जो कलयुग आज सभी के अंदर से गायब होती जा रही है। यह समझना चाहिए कि इससे पहले कि आत्मा भौतिक दुनिया में प्रवेश करती है, उसका ईश्वर के साथ एक अनूठा विशेष संबंध है और रिश्ते की ताकत भौतिक शरीर के साथ की तरह मजबूत है। जब कोई मंत्र का जाप करता है, तो वह भगवान के साथ इस रिश्ते को पुनर्विकास और मजबूत कराना शुरू कर देता है। दोस्तों आज की वीडियो में आप हरे कृष्ण के महामंत्र के 6 अद्भुत फायदे जान चुके होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।